इस साल के अंदर पहली 1000 करोड़ वाली पिक्चर दी है शाहरुख खान ने पठान, जिसने की 1050 करोड़ से भी ज्यादा पैसे कमाए हैं। बाद में जो दूसरी 1000 करोड़ वाली पिक्चर है उसके ऊपर भी शाहरुख खान ने ही कब्जा किया, जो कि होने वाली है जवान। बहुत ही जल्दी ये फिल्म 1000 करोड़ आराम से कमा लेगी। और ऐसे में भैया शाहरुख खान तो है लास्ट ऑफ द सुपरस्टार, तो उनकी पिक्चर तो 1000 करोड़ कमाना बहुत आम बात है। लेकिन ऐसे में आने वाली कौन सी ऐसी पिक्चर है जो कि शाहरुख खान की फिल्मों के बाद में 1000 करोड़ कमा सकती है या फिर शाहरुख खान के भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है? आपको बताते हैं एक से बढ़कर एक फिल्मों के नाम, जिनके बारे में अगर आप लोगों को पता नहीं था तो भैया सुन लीजिए और देखने के लिए एक्साइटेड हो जाइए। देखिए बॉलीवुड के अंदर तो शाहरुख खान का रिकॉर्ड तोड़ने का दम सिर्फ कुछ ही एक्टर्स में है, और उनमें जो इनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर है वो है मास एक्शन के गॉडफादर सलमान खान। सलमान खान की नेक्स्ट सबसे बड़ी पिक्चर आने वाली है टाइगर 3, और इस पिक्चर के ऊपर ही भैया आग बंद करके लोग बोल रहे हैं कि पिक्चर 1000 करोड़ कमाएगी और शाहरुख खान का रिकॉर्ड तोड़ेगी। वेल देखो, क्योंकि इसके अंदर भी शाहरुख खान होने वाले हैं तो कुछ ना कुछ क्रेडिट तो वो भी ले जाएंगे। बट जो भी हो, मैं तो पर्सनली इस पिक्चर के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाद में आएगी रणबीर कपूर की 1 दिसंबर को एनिमल। इस पिक्चर के अंदर रणबीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और रश्मिका मंदाना आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो एक्शन थ्रिलर मूवी है इसको भैया डायरेक्ट कर रहे हैं संदीप रेड्डीवांगा, तो पिक्चर से उम्मीदें तो बहुत ज्यादा है कि पिक्चर कुछ बड़ा जरूर करने वाली है। बट 1000 करोड़ तक पहुंच जाएगी इसमें थोड़ा सा डाउट है, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दीजिएगा। बाद में भैया जो 2023 की सबसे बड़ी फिल्म आनी जा रही है वो है साउथ के सुपर डुपर एक्टर, मेरे भी पर्सनली फेवरेट है यार, प्रभास। प्रभास की जो पिक्चर आने वाली है सलार पार्ट 1 सीज फायर, भैया इस पिक्चर पर तो लोगों को इतना भरोसा है, ये पिक्चर आज तक की इंडिया की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म बनेगी। बट भैया अगर ऐसा है तो नवंबर ज्यादा दूर नहीं है, देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अगी भाई मैं तो चाहता हूँ कि भैया प्रभास को अच्छी खासी मूवी दे इंडस्ट्री को, और जो हमारे दिलों में उनके लिए प्यार है उसको बरकरार रखें। और बाद में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है 19 अक्टूबर को, क्योंकि उस दिन थिएटर के अंदर आ रहे हैं विजय थालापति। विजय थालापति की मोस्ट अवेटेड मूवी लियो जो है अक्टूबर के अंदर आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। अब क्योंकि भैया इस फिल्म के अंदर संजय दत्त भी हैं, तो भैया हिंदी की तरफ से भी फिल्म को दबाकर प्यार मिलने वाला है, और हो सकता है कि फिल्म रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ा दे। वैसे मेरी तो 2023 की छोटी सी लिस्ट थी, आपको क्या लगता है कौन सी मूवी कितना कमाल कर पाएगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।